हम बाबूजी से सब कुछ कह देंगे। जबरदस्ती की शादी का नतीजा यही होता है। इसे कहते हैं एक समझदार खानदानी लड़की। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम ये बात बाबू साहब को बताने में जितना देर करोगी उतना जिंदगी बर्बाद हो जाएगा उस लड़की का। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरी बात का मान रखोगे? ये उम्मीद करता हूँ मैं तुमसे। जिनके कारण इस घर से हमारा रिश्ता जुड़ा था, जब वही हमारे साथ नहीं है तो हम इस घर में रुककर क्या करेंगे? हम तो खुश हैं ना, किसी का घर उजाड़ कर, इसलिए आज तक आपका घर नहीं बसा। एक बार बाबू साहब काकुल के अबॉर्शन के लिए रजामंदी देते हैं बस। पिताजी, मैं मौसी और नाना बनने वाले हैं। अरे भाई, हम नाना बन गए हैं। अरे तो जश्न का मौका है भाई, होली दिवाली सब एक साथ मनाएंगे। काहे बड़का दामाद जी, अरे मेरी बिटिया, खुश रहो, जीती रहो। अरे मोना, बुलाओ सबको जल्दी। अरे चनुआ, अरे भोलवा यार, आओ यार, अरे तू आओ यार। अरे मेरी बेटी, जीती रहो, खुश रहो, सदा तो सौभाग्यवती रहो। ले मुन्ना। बाबू साहब बधाई हो। बधाई तुझको हो। अरे परसों के माई, बरसों बाद हमारे आंगन में बच्चों का किलकारी गूंजेगा। खुशी मनाओ। अरे रंग और अबीर इकट्ठा करो, हम लोग सब लोग खुशी मनाएंगे। अरे तुम्हारी माँ जिंदा होती ना, तू जाने क्या क्या करती। अब बेटा, हमको तो मालूम ही नहीं है कि काका होता है, लेकिन इतना मालूम है कि अब हवेली को खुशियों से रंग में रंगने का दिन आ चुका है। काय त्रिशा बेटा, हे बेटा त्रिशा, ख्याल रखना काकुल का। सब जरा जो जो रस्म वगैरह होता है वो सब तुम करना, समझ रही हो ना जी। अरे अब बेटा, अब खुश भी हो लो, अब खुशी भी तुम्हारे हिस्से का हम ही लें क्या? आप लोग खुश होइए भाई। क्या दामाद जी, हैं बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं आप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं 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 बाबू साहब, वही टेंशन हो गया है ना बहुत। काहे का टेंशन? वो दो दिन छुट्टियां मना लिए हैं तो दो तीन दिन का काम पेंडिंग हो गया है। तेरे की छुट्टी मना लिया? अरे तो मनाइए ना छुट्टी भाई। अरे छुट्टी मनाना तो सेहत और अच्छा होता है, और टेंशन हो गया, छुट्टी मनाइए भाई आप लोग। बाबूजी, हाँ, काकुल को अंदर लेके जाते। हाँ, थक गई हो? हाँ बेटा, जल्दी जा, 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 जा। दामाद जी जाइए, सेवा खातिर का मौका आया आपको। वाह सुजीत बाबू, कितना बड़ा बात छुपाया इन दोनों ने बाबू साहब से, और आप खड़े खड़े तमाशा देखते रह गए। क्या जरूरत था बीच में बोलने का? क्या जरूरत था? हमसे सवाल किए थे ना बाबू साहब, तुम्हें बीच में बोलने का क्या जरूरत था? काहे इतना बड़ा बात छुपाया तुम दोनों ने बाबू साहब से? क्योंकि दीदी और हम बाबूजी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। कितने खुश थे वो हमें देखकर। अरे तो इस खुश होने में इतना बड़ा बात क्या है? तुम बेटी हो उनका, इतने दिनों बाद घर आई हो तो खुश तो होंगे। इतना वक्त बाबू साहब ने कैसे काटा होगा ये सोच सोच के कि उनकी बेटी ससुराल से वापस कहीं आ रही है, और तुम दोनों ने होशियारी कर दिया, बातें ही पलट दिया। कब तक छुपा सकोगे ये बात बाबू साहब से? छुपने वाला बात है? अरे क्या प्लान किया है तुम दोनों ने, हमें भी तो बता दो भाई। आज नहीं तो कल बाबू साहब को इस बात का पता भी चलेगा, और जिस दिन पता चलेगा उन्हें दुख भी होगा। हाँ, लेकिन इस वक्त हम बाबूजी को कुछ नहीं बता पाएंगे। वक्त आने पर हम बाबूजी से सब कुछ कह देंगे। सही वक्त,
क्या मतलब होता है सही वक्त का? हम मुहूर्त निकलवाएं क्या पंडित से? बम फोड़ने का कोई सही समय होता है? तकलीफ कम नहीं कर पाओगे तुम बाबू साहब का, बल्कि जितना देर से बताओगे उतना तकलीफ ज्यादा होगा उन्हें। आप हर चीज एक ही नजर से क्यों देखते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हालात बदल जाए, सम्मान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो वापस लौट के आए, तो अभी से शोर क्यों मचाए हम? अच्छा अच्छा, कुत्ते का दुम सीधा हो जाएगा, हम नली में डाल के रखेंगे, कुत्ते का दुम सीधा हो जाएगा। किस आदमी का बात कर रही हो, अंदाजा भी है तुम्हें? काकुल, काकुल सुन तो। ओफो, आप भी कम से कम काकुल के सामने तो। क्या काकुल के सामने? उसे असली रंग नहीं मालूम है इस आदमी का? तुम दोनों से ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं उस आदमी की मेंटालिटी को, उसके इंटेंशन को। बहुत अच्छे से ताड़ गए हैं कि ससुर ये चीज क्या है। हम तो पहले से। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन इंतजार करने में कोई बुराई है? अरे तो सबसे पहले तो तुम्हें काकुल का प्रेगनेंसी का बात छुपाना चाहिए था ना बाबू साहब से। उस वक्त मुझे कुछ सूझा नहीं, पिताजी को कुछ तो कहना ही पड़ता ना। काकुल तो पूरे रास्ते मुझे मनाते आई कि मैं सम्मान के बारे में पिताजी को कुछ ना कहूं, जान देने की बात करें। फिर जान देने का धमकी दिया उसे, फिर जान देने का धमकी दिया। जान ना हो गया, ससुर धतुरे का बीज हो गया। पहले भी उसने हमसे जान देने का धमकी देके शादी का बात मनवाया, और अब बाबू साहब से छुपाने के लिए भी साइनाइड का गोली बना रखा है जान को। सुनिए, सम्मान, तुमने जिंदगी में पहली बार करेक्ट स्टैंड लिया है। रियली मुझे ये तो मालूम था कि तुमने ये शादी मजबूरी में की है, लेकिन आज सच जानने के बाद आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। सच में अजीब गुंडा कर दी इन लोगों की। एनीवे, ये बला गई इस घर से, हम सब की जान में जान आई है। नाउ यू आर फ्री। तुम्हें काकुल के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। लेकिन ये काकुल का जीजा शक्ल से एक नंबर का बदमाश लगता है। किस तरह से बात कर रहा था वो तुमसे और पापा से? और अकड़ देखिए, काकुल को ले जाने के लिए ऐसे आया है जैसे एहसान कर रहा है हम पर। जबरदस्ती की शादी का नतीजा यही होता है। ये तो गनीमत है कि इन लोगों का पाला हमसे पड़ा, जिन्होंने इतने दिन तक उस लड़की को अपने घर में रखा। कोई और होता ना तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया होता। सम्मान, काकुल तुम्हारे लायक थी ही नहीं। अब पैसे से इंसान में क्लास तो नहीं आ जाती ना, ना बातचीत करने का ढंग, ना उठने बैठने का तरीका, ऊपर से एरोगेंस, सारा का सारा खानदान एक जैसा है। मैं तो कहती हूं भगवान बचाए ऐसे लोगों से। लेकिन तुम एक बात ध्यान में रखना, ये बात पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। काकुल की प्रेगनेंसी को लेकर ये लोग फिर से कोई इशू बना सकते हैं, लेकिन तुम किसी की बात में मत आना। अरे जब बच्चा तुम्हारा है ही नहीं तो किसी और के पाप को तो बसर क्यों लोगे? प्लीज जस्ट शट अप। देवी का दीदी, जब आप कुछ जानती नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है आपको ये सब कहने की। माना आप काकुल को पसंद नहीं करती हैं, उसके जाने से बहुत खुश हैं आप, लेकिन बिना सोचे समझे किसी के कैरेक्टर पर इस तरह उंगली उठाने का कोई हक नहीं है आपको। सम्मान, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। मेरे भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए कह रही हैं आप। आपको इस बात की खुशी है कि काकुल के जाने से आपका घर बस जाएगा, लेकिन प्लीज अपनी खुशी के लिए किसी और पर कीचड़ मत उछालिएगा। जिसे देखो मेरी शादी का ताना देता है मुझे। ऑफ कोर्स इस बात को लेकर मैं काकुल से नाराज हूं और तब तक रहूंगी जब तक मेरी जिंदगी का अकेलापन दूर नहीं हो जाता।
आज काकुल दीदी की जगह हमने आरती की, ठीक किया ना दादी? दादी हमने डिसाइड किया है, काकुल भाभी के एब्सेंस में घर की पूजा डेली हम करेंगे। यस दादी, जब भाभी ने सिस्टम शुरू कर ही दिया है तो उनके यहाँ ना रहने पर पूजा ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ दादी, और हम सब मिलकर प्रे करेंगे कि काकुल भाभी जल्दी घर आ जाए। बहुत अच्छी बात, शायद भगवान तुम लोगों की प्रार्थनाएं सुन ले। जरूर सुनेंगे दादी, देख लीजिएगा एक दिन काकुल दीदी इस घर में जरूर वापस आएंगी। तुम्हारे मुंह में की शक्कर। लो देखो क्या लाए हैं हम तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है बाजू। अरे वो तो खूबसूरत होगा ही, अपनी बिटिया के लिए जो लाए हैं। पूरा ज्वेलरी का दुकान उलट पुलट कर दिए। वो दिखा रहा था हीरा, ये हीरा, हीरा। बोले अरे हीरा नहीं खाली चाहिए, उसमें डिजाइन भी होना चाहिए। पिताजी ये काकुल पे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो तुम भी इसकी तरह से जल्दी से खुशखबरी सुना दो, तुम तो इसकी दीदिया हो, इससे भी अच्छा लगे देंगे तुमको। हाँ और एक बात बोले, हम जलसा कर रहे हैं। जलसा? जब जलसा बोलते हैं ना तो हमको पूरा पार्टी याद आ जाता है, पार्टी के वर्कर याद आ जाते हैं, ऑफिस के लोग याद आ जाते हैं, पूरा शहर इकट्ठा करेंगे, खूब मजा आएगा, मौज मस्ती। हाँ बेटा। मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो। पिताजी पार्टी ना करके सिर्फ हवन करे तो? हाँ तो वो भी करवा लेंगे ना। नहीं आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, इतनी अर्ली स्टेज में सेलिब्रेट करना ठीक नहीं, कहते हैं कि नजर लग जाती है। सातवें महीने में जब काकुल की गोद भराई करेंगे तब आप ये कसर पूरी कर लीजिए, बस इस समय सिर्फ घर के लोगों के साथ पूजा कर ले तो। अरे कितना समझदारी का बात किए थे, तो हम सोच भी नहीं किए। सही बात है, पता नहीं कौन कौन आएगा और कौन कौन क्या सोचेगा और किसके दिमाग में क्या है का मालूम। ठीक कह रही हो तुम, तो एक काम करो दामाद जी को कहो कि वो पंडित जी से बात कर लें और दिन और तिथि तय कर लें, ठीक है? जी। हम सोचते हैं कि तुम्हारे ससुराल में भी तो लोग बहुत खुश होंगे ना, वहां भी तो पहला उठा ही होगा। अमरनाथ जी से बात करते हैं, समधी जी से बात करेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। बाबूजी, हाँ? पापा जी शायद बिजी होंगे, आप बाद में फोन कर लीजिएगा। अरे बिजी होंगे तो क्या भाई, अरे भाई थोड़ा समय निकाल लेंगे, इसमें बिजी होने का क्या बात है। अरे भाई होने वाले नाना जी होने वाले दादाजी को फोन करेंगे और जब गप लड़ाए ना तो इशारा कर देना बंद कर देंगे। फोन कर रहे हैं जरा, खुश हो ले हम भी, वो भी खुश हो ले। अरे त्रिशा वो अलमारी के चाबी कहाँ रखा? अरे तो इंगेज जा रहा है भाई। अरे समधी जी के यहाँ भी तो बधाई का लाइन लगा होगा, फिर से ट्राई करते हैं ना। अरे उनको भी तो बधाई देने की लाइन लगी होगी, मैं फिर से ट्राई करूंगा। बाद में लगा लीजिएगा ना। अरे बाद में कहाँ लगाएंगे भाई। लग गया। हेलो। अरे मैं ओम शंकर बोल रहा हूँ। अरे होने वाले दादाजी को होने वाले नाना जी की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। जी जी आपको भी। और हाँ दादी जी तो परदादी बनने वाली हैं, उनको भी हमारी तरफ से बधाई दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। और बच्चों ने तो जीवन का सबसे बड़ा सुख हम लोगों की झोली में डाल दिया है। अरे हम तो इतना खुश हैं कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। समधी जी हाल फिलहाल में हमने एक छोटा सा हवन रखवाया है और जब तिथि और समय फिक्स हो जाएगा ना तो आपको सूचित किया जाएगा। आप लोग सपरिवार जरूर आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जी देखिए मैं कोशिश करूँगा, वादा तो कर नहीं सकता, नया नया बिजनेस है, नया नया काम है, तो देख लीजिएगा। आप लोग भी आ जाएंगे तो दोनों परिवार मिलके खुशी मनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा।
जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है रखते हैं। ओम शंकर जी का फोन था, बहुत खुश थे, बधाई देने के लिए फोन किया। किस बात की बधाई? अच्छा जिस तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। ओम शंकर जी का नाम सुना तो एक बार तो मैं डर ही गया कि कहीं काकुल ने जाकर सब कुछ यहां जो हुआ अपने पिताजी को तो नहीं बता दिया। लेकिन वाह, इसे कहते हैं एक समझदार खानदानी लड़की। चाहती तो अपने पिता के सामने सब कुछ उगल सकती थी, क्योंकि इस घर में जो हुआ उसके साथ वो कुछ अच्छा तो नहीं। अब मुझे लगता है कि सम्मान ने काकुल जैसी बीवी की कद्र ना करके बहुत बड़ी बेवकूफी की है। बहुत जल्दी उस लड़की की तरफदारी करने लगे आप। जल्दी नहीं, बड़ी देर बाद आंख खुली और एक दिन तुम्हें भी उस लड़की की कद्र होगी, पछताओगी, कोसोगी तुम खुद को कि क्यों तुमने काकुल जैसी बहू को इस घर से निकाल दिया। भूल जाएगी, इस जन्म में तो दिन आने से रहा। एक तो तुम्हारा बात का है मानते हैं, हमें यही समझ में नहीं आता। वहीं तुम दोनों को चुप करा देना चाहिए था कि चुप, हमें कहने दो। बाबू साहब को चुप करा दिया, बताइए कब तक छुपा सकोगे ये बात? ये छुपने वाला बात है, आज नहीं तो कल बाबू साहब को इस बात का पता चलेगा और तब तुम दोनों बहनों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुम तो मासूम सा एक्सप्रेशन बना के खड़ी हो जाओगी, सारा गुस्सा निकलेगा हम पे, सारा ब्लेम आएगा हमें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप डरते क्यों हैं? अच्छा हम डरते हैं? नहीं बाबा, देखना काकुल के चले जाने के बाद ना सम्मान को उसकी कदर होगी और वो जरूर उसे लेने आ जाएगा। वाह वाह, पहले तो नादानी तुम्हारी बहन ने किया त्रिसा, अब तुम करो। इस दुनिया में सीधे साधे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उनके सीधेपन को, उनके भोलेपन को बेवकूफी कहते हैं लोग। सम्मान को अकल आ जाएगा, फिर वो काकुल को लेने आ जाएगा, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दोनों बहने सारी जिंदगी बैठी बैठी सपना देखती रह जाओ। अरे काकुल की आंख पे तो प्यार का पट्टी बंधा है, उसके सर पे तो मोहब्बत का बुखार चढ़ा है, तुम तो साफ साफ देख सकती हो ना त्रिसा। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम ये बात बाबू साहब को बताने में जितना देर करोगी उतना जिंदगी बर्बाद हो जाएगा उस लड़की का। वो सारी जिंदगी बैठी बैठी फिल्मी हीरोइन की तरह आंसू बहाती रहेगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो ऐस कर रहा होगा वहां, अब तक तो चला गया होगा वंशिका के पास। उसे लगेगा कि आज तो उसे पूरा फ्रीडम मिल गया भाई। मेरे साथ नहीं जीना चाहता, मैं वंशिका के साथ रहना चाहता हूं। प्यार करता हूं मैं वंशिका को, आई लव हर। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वंशिका को चाहता हूं। मैं आपकी कमी महसूस हो रही है सर, खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि हमने तो सिर्फ आपसे ही प्यार किया है। हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार आपके साथ बहुत खुश थे, जैसे जैसे दो जहां मिल गए हो। लेकिन उस दिन बहुत तकलीफ,
अब ये जाना कि आपने कभी हमें चाहा ही नहीं। भगवान जाने आपसे फिर कभी मिल पाएंगे या नहीं। कैसे जी पाएंगे, कैसे जी पाएंगे। पता नहीं कितने लड़कों से उसका अफेयर होगा। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर उसको ये भी पता ना हो कि उसका ये बच्चा है किसका। मेरा बच्चा है वो, सुना तुमने, मेरा बच्चा है वो। तुम्हीं ने कहा ना सम्मान से कि अगर काकुल उसकी जिंदगी से चली जाए तो तुम शादी कर लोगी उससे। जितना देर करोगी इसके अबॉर्शन में उतना जान का खतरा बढ़ जाएगा इसका। हम ये अबॉर्शन नहीं करवाएंगे।